देखते हैं लाइन का, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x के रिस्पेक्ट में इसका समाकल ज्ञात करना है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ रूट के अंदर ये जो फंक्शन दिया है इसके, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 होगा, और यहाँ से मैं 2 कॉमन करूंगा तो हमारा काम हो जाएगा 2x प्लस 1 और फिर आपका रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब मैं सीधे यहाँ पुट कर देता हूँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर में dt बटा में dx, या किधर मल्टीप्लाई करेगा 2x प्लस 1 dx बराबर में हो जाएगा dt। अब देखिए यहाँ पर 2 ये तो बाहर है, कॉन्स्टेंट है, 2x प्लस 1 dx की जगह पे यहाँ dt ले लेंगे, और ये आपका t माना हुआ है तो रूट टी हो जाएगा। अब चलिए रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी का पावर 1/2, और समाकल आपको पता ही है पावर में 1 जोड़ देना है और पावर को नीचे नोट कर देना है, यानी कि टी का पावर हो जाएगा 3/2, टी का पावर 3/2 और इसके बाई में आ जाएगा 3/2, पावर में 1 जोड़ के पावर नीचे नोट कर दिए। ये अब आपका पलट जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो 4/3 टी का पावर 3/2 प्लस 4/3, टी का वैल्यू हम लोग रख देते हैं क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही नाम है टी पुट किए थे, चलिए पावर में है 3/2 और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10।